नमस्कार साथियों, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, पार्टी के डिसिप्लिन कमेटी का इंटरनल मैटर है। पूरे सोशल मीडिया पर मैं मानती हूँ इस डिसीजन से हड़कंप जरूर मचा हुआ है, पर फिर भी ये पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान की सरकार को और हिंदुस्तान की जनता को बदनाम करने वाला ये था कौन और है कौन। तो आप देखिए ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के अकाउंट को आप जाकर देखिएगा और आपको सारी ट्वीट पढ़कर दिख जाएगा कि इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान का कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बल्कि अरब कंट्रीज का कॉरेस्पॉन्डेंट और जर्नलिस्ट होने का काम बखूबी निभाया है। हिंदुस्तान का मुखौटा पहनकर, हिंदुस्तान का जर्नलिज्म का मुखौटा पहनकर इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सरकार को पूरे विश्व भर में बदनाम कर दिया है। और उसके साथ ही साथ आप ये भी देखिएगा कि इस व्यक्ति को डोनेशंस मिल रही है इस ट्वीट के बाद, इस मुद्दे को उठाने के बाद। क्यों? क्योंकि आप पैसा लेकर मुद्दा उठाते हैं और सरकार को, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के, हिंदुस्तान के लोगों को बदनाम करते हैं। आप होते कौन है मोहम्मद जुबैर? आप अरब कंट्रीज के लिए बात कर रहे हैं, आप अरबियों के लिए बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। आप आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से सवाल पूछने वाले होते कौन है? आप होते कौन है देश के गृहमंत्री पर सवाल उठाने वाले? और आप होते कौन है देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के बारे में बोलने वाले? आप वही हैं जो अरबियों के लिए खड़े होते हैं। आज आप पैसा लेकर ट्वीट कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृहमंत्री को और देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदनाम कर रोटियां सेक रहे हैं। पर याद रखिएगा, अच्छा और करारा जवाब इस बात का दिया जाएगा, क्योंकि आज आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कुछ चंद हजार रुपयों के लिए हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया है। और मैं सबको कहती हूं इस मोहम्मद जुबैर की जाकर देखिए ट्वीट्स, आपको पता चल जाएगा कि ये हिंदुस्तान का कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं, ये अरब का कॉरेस्पॉन्डेंट है, अरब का कॉरेस्पॉन्डेंट है।